कन्नौज में 15 दिन पहले सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या के मामले का आज पुलिस ने किया खुलासा। जमीनी विवाद में मृतक के भाई पर पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बजरिया में दुकान से वापस जाते समय 22 दिसंबर को सर्राफा व्यापारी अखिलेश्वर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी मुन्नी देवी ने अपने देवर अमित कुमार के ऊपर हत्या का आरोप लगाया था। घटना के बाद से अमित फरार चल रहा था। सर्विलांस टीम की मदद से कोतवाली पुलिस ने छिबरामऊ के सौरिक तिराहा से उसकी गिरफ्तारी कर ली है। छिबरामऊ थाना क्षेत्र में कस्बे के अंदर अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा की हत्या हो गई थी और इस संबंध में उनके परिवार द्वारा छोटे भाई अमित वर्मा सहित दो अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इन दोनों परिवार के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में बहुत पुरानी रंजिश चल रही थी और पहले भी इनके बीच आपस में फौजदारी का मुकदमा चला है। एक 2014 में इनके बीच मारपीट हुई थी जिसमें जो अमित वर्मा, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है, वो आरोपी रहा है और ये इसमें 323, 504, 506 और 325 IPC का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन में चल रहा है। और इसके अलावा एक मुकदमा और भी बीच में लिखाया गया था करीब 3 महीने पहले, सितंबर महीने में, उसमें 307, 120 भी, वो भी अभी विवेचनाधीन है। तो इस प्रकार से इन दोनों भाइयों के बीच रंजिश चली आ रही थी और ये रंजिश जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए कि करीब 15-20 वर्षों से ये, जब से इनका डिवीज़न हुआ है और उसमें जमीन की रंजिश है और उसी रंजिश की वजह से ये घटना घटित हुई है। अभी इनको हम लोग जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं और इस प्रकरण में अभी विवेचना जारी है।